बारे में उसने मैंने कल्पना की, बहुत ही अच्छी माँ बाप के बारे में बताया। लेकिन आजकल हर चीज है ना, वो नकली चाल की अपना भारत देश में असली चीज किवी भी खुल रही। ये खाना पीना नकली, ओढ़ना पहनना नकली, खाना बजाना नकली, हर चीज का सिस्टम बदल गया। कोई स्कूल का मायना इंस्पेक्टर साहब से लिया गया, पांचवी क्लास का छोरा खड़ा कर दिया, बोला छोरा खड़े हो, पांच का पढ़ा सुना। ये वो छोरा की पिंडी तो जोड़ा की काका आख्या महसूस आ गया, हाथ जोड़ के बोला गुरु जी मन तो कोई आओ। आराम खोर पांचवी क्लास का स्टूडेंट तेना पांच का पढ़ा को नहीं आवे, बोला गुरु जी मैं तो स्कूल को कोनिया तू कौन सी स्कूल को सा भाई, बोले जी मैं तो स्कूल का गर्ल डबल भैंस रहा है, कौन मास्टर पांच रुपया दे के बैठा दिया, बोले चेक करने आऊंगा। अरे मैं तो पांच रुपया का लालच में आके बैठ गया। इंस्पेक्टर साहब गुस्सा में भर गया, मास्टर जी को पूछ गया, बोले मास्टर जी बच्चे नकली हैं क्या बात है, डुप्लीकेट को उठा रखे हैं उतने, मास्टर भी नकली है। बोल जी मन तो आप कौन करो, मैं तो मैं तो बाहर की से घर हूँ, बोलो आज, बोले क्यों, बोलो जी महाराज कोई परचून की दुकान है, मास्टर यू मंडी में सामान लेना चले गए राजगढ़ में उड़ाना पड़ गयो। इंस्पेक्टर साहब और गर्म हो गया, हेडमास्टर जी कन पूछ गया, तो चेहरे के टाट मारे, हेडमास्टर जी ये बच्चे नकली हैं, ये टीचर नकली क्या बात है। हेडमास्टर भी दौड़ा हो गया, तेरे से हमारी खोली 10,000 रुपया की गड्डी निकाल के लिया, इंस्पेक्टर जी का हाथ में पकड़ा है, हाथ चढ़ गया, बोला जी आज आज मन ने भी माफ कर, बोले मत मेरा बाप की जगह, बोला बोले कैसे, बोलो जी को साक्षरता अभियान में को मुकदमा ला गया, माला पिताजी वो चूर कोर्ट में चले गए, मन उड़ाना पड़ गया। आर बोलो जी एक बात और कही, बोले बेटा अलबत्त तो चेक करने या कोई आवक नहीं आजकल, अगर कोई आ भी जा तो रिश्वत चल रहा है 10,000 रुपया पकड़ा दी, कोई कोई बोल लगो। इंस्पेक्टर साहब 10,000 रुपया गोज में घाल के, बोले मेरी बात सुन, यो तो शुक्र मान मत रहा 10,000 रुपया काम निकाल दिया, मेरी जगह कोई असली इंस्पेक्टर होता तो 3 लाख रुपए दिए पंडा पहुंच छोड़ता नकली बोल।